Hello everyone, welcome back to our channel. So finally we reached at Khar and today I'll be performing in front of Raftaar and Samay Raina. So very excited and not so happy because hamesha kya hota hai pata hai, bahut aise acha hote 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 kuch na kuch gadbad ho hi jata hai. So is baar dekhte hai, let's see, kuch gadbad na ho, fingers crossed. एंड 9 बजे उन्होंने मुझे कल कॉल पे बोला था पहुंचने, मैप की माँ की सॉरी, 9 बजे बोला था पहुंचने, अपन 8:15 को पहुंच गए गाइस. सो लेट्स सी हाउ इट गोस, वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो. हम लोग 8 बजे आ गए भाई. तो जैसा कि आपने देखा कितने सारे परफॉर्मेंस आए और कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वाट लगा दो भाई वीडियो की सॉरी. तो हाँ, जैसा कि आपने देखा गाइस कितना अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अंदर. और अभी गाइस मुझे पता चला, मतलब दो स्लॉट थे, एक 7 बजे का, तो जो 7 बजे परफॉर्म करके आए थे उनसे मुझे पता चला कि आपको सिर्फ और सिर्फ 90 सेकेंड्स मिलेंगे परफॉर्म करने को. सेकेंड थिंग, रफ्तार और समय मार्क्स दे रहे हैं, और कोई तो है, दो लोग हैबिटेट के ओनर और एक कोई तो जन है, तो वो आपको मार्क्स देंगे और हम खुद को मार्क्स देंगे. अगर हम दोनों के स्कोर्स मैच हुए तो हमको मिलेंगे 1000 रुपए. सो 1000 रुपए गए भाड़ में गाइस. आई एम जस्ट एक्साइटेड टू मीट समय एंड रफ्तार. और बोला था कि सबको रोस्ट कर रहा है. सो एकदम हाथ ठंडे हो रहे हैं और क्या बताओ गाइस, मैं बहुत क्या बताऊँ. जाने दो, अभी 10 बजे चालू होगा, हम लोग आ गए 8 बजे, 9 बजे बुलाया था उन्होंने तो हम 8 बजे आ गए, तो 10 बजे होगा स्टार्ट. लेट्स सी गाइस, लेट्स सी. बहुत ठंडे हो गया आपके, बर्फ जैसे जम गए एकदम. यहाँ पे लिफ्ट में भी बहुत क्रिएटिव एक चीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की जगह एच, क्योंकि फोर्थ फ्लोर पे हैबिटेट है तो फोर की जगह उन्होंने एच लिखा है. तो अभी जस्ट मैंने मेरा, उन्होंने कुछ सवाल पूछे, इंटरव्यू टाइप दिया, फॉर्म दिया, और अभी शायद मेरा परफॉर्मेंस होगा इन फ्रंट ऑफ रफ्तार एंड समय. 30 सेकेंड्स का टाइम है, 90 सेकेंड्स का टाइम है, प्लस वो 8 बेस्ट परफॉर्मेंस का वीडियो शायद अपलोड करेंगे या कुछ करेंगे. सो वो एक दो साहब मिला था, वो बोला था कि समय सबको रोश वोश कर रहा है, तो पता नहीं लेसी है. मैं तो बस खुश हूँ, जीतू हारू और भी चीजें बाद में बता दो गाइस. इतना ही, तो आपको सारी चीजें बताता हूं मैं कल के बारे में. तो कल एक शो हो रहा था जिसका नाम है द लेटेंट शो सीजन 1. एंड वहां पे कैसा था कि मोस्टली कैसा होता है, जो बेस्ट परफॉर्मर होता है, जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं वो जीतता है. पर ऑफ कोर्स इस समय रहना का शो तो कुछ तो अलग होगा ही. तो उसमें कैसा था कि अगर आपको शायद 3 मार्क्स भी मिले, ठीक है, तो वो कैसा होता है, हमको सबसे पहले अपने आप को मार्क्स देने होते हैं और बाद में हमें जजेस मार्क्स देंगे, और अगर दोनों मार्क्स मैच होते हैं तो वो विनर बन जाता है. तो ऐसे तो भले आपको 10 मिले और अगर आपको आपने खुद को अगर 9 रेट किया है तो फुस कुछ नहीं. तो बहुत मजा आया, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा शो का, और शो एक्चुअली एकदम ऐसा रियलिटी शो जैसा था, बट आपको ऐसा लगेगा कि स्क्रिप्टेड है, क्योंकि जो हुआ ना गाइज लाइक अमेजिंग. एंड समय गाइज वो इतना अच्छा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको. उसके पहले ना मुझे और एक कोई तो सेलिब्रिटी मिले थे, समय सब रफ्तार सब आने से पहले, तो मैं ऐसे हैंडशेक करने गया, उसने वैसे हैंडशेक नहीं किया और ऐसे फिस दिया, ठीक है. अब जब समय आ रहा था तो मैं बोला मैं हैंडशेक नहीं करूंगा, और हम लोग बैक स्टेज पे थे सारे परफॉर्मर्स एंड समय आया, तो मैं बोला हाय समय बिग फैन, तो उसने खुद से ऐसे हैंडशेक किया और ऐसे किया, आई वाज लाइक फक. इवन रफ्तार ही, उसने भी बहुत अच्छे से व्यवहार किया. एंड जब हमारा परफॉर्मेंस हुआ ना, उसके बाद समय ने सबके साथ पिक्चर्स ली, सबके साथ, और जब हम नीचे भी गए ना तो सब लोग मतलब दूसरी बार भी पिक्चर्स मांग रहे थे, तो उसने सबके साथ पिक्चर्स लिए और बहुत अच्छा था वो. और मेरे परफॉर्मेंस के बाद मुझे रोज भी कर रहा था, एंड मैंने सिर्फ मिमिक्री परफॉर्म करी. रीजन वॉज कि अभी सचिन के सामने मैं सचिन सर को बैटिंग थोड़ी दिखा सकता हूँ, तो आई फेल्ट कि स्टैंड अप को थोड़ा होल्ड करते हैं, बट दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई डे. क्योंकि मैंने मतलब क्या हुआ था पता है, मैंने मेरा फॉर्म इस तरह से लिखा था कि मेरे स्टैंड अप का एक जोक है, तो वो मुझे वैसा ही क्वेश्चन पूछे ताकि मैं आंसर करूं, क्योंकि 90 सेकेंड्स थे, एंड उसने मुझे वही पूछा, और मैंने लिखा था इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसे करके ब्रैकेट में, तो उसने मुझे वही क्वेश्चन पूछा, एंड उस पर ही सबसे ज्यादा हंसी आई. मतलब मेरे मिमिक्री से ज्यादा मैंने वो जो जोक है जो मुझे सवाल पूछता है फिर मैं आंसर देता हूँ, उस पर मुझे सबसे ज्यादा वो आया. चीयर्स. एंड ऑल्सो गाइज, जब भी मैं मिमिक्री के बाद मैंने थोड़ा सा एक स्पॉन्टेनियसली एक जोक मारा, उस पर भी सबसे ज्यादा हंसी आई. सो आई फील लाइक शिट, यार करना चाहिए था, बट 90 सेकेंड्स थे ना, उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया. बट ओवरऑल द डे वॉज ऑसम, एंड समय इज वेरी गुड यार. अभी उसका स्टैंड अप का शो है 31st मार्च को मेरा बर्थडे है,
100 पैसे नहीं है यार, 1000 रुपये आगे का टिकट, 500 बैक का, तो देखते जुगाड़ करूंगा। एंड आई होप तब तक वो आगे की सीट्स फुल ना हो, मैं आगे आगे बैठना चाहता हूँ। एंड वो मुझे चिढ़ा रहा था कि मतलब मेरा वो जो स्टैंड अप वाला जोक है, तो मुझे बोल रहा था मूव ऑन। तो जब भी वो परफॉर्म करके आया और वो जा रहा था, तो मैं उससे हैंडशेक किया ना, तो बोल रहा था ब्रो मूव ऑन। तो ऐसे वो मजाक कर रहा था। तो बहुत अच्छा इंसान है वो, एंड रियली रियली लाइक्ड इट। द लेटेंट शो इज गोइंग टू बी अ सुपर हिट, एंड इसका सीजन 2 में भी अपन जाएंगे। एंड मजा आया गाइस, बहुत मजा आया, बस बहुत मजा आया। मैं अभी जब भी सुबह भी उठ रहा हूँ ना, तो मैं कल के बारे में ही सोच रहा हूँ। वो शो के बाद भी मतलब मैं फिजिकली यहाँ था और मैं मेंटली उधर ही था, और इतना फनी, इतना फनी समय का मुझे फ्री में सेट देखने मिला, मजा आ गया यार, मजा आ गया। एंड रफ्तार भी बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, मजा आ गया यार, मजा आ गया। बस 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 इतना ही बोर करूंगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो नए हो तो। एंड मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।